नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एकनाथ शिंदे की सदस्यता पर विधानसभा अध्यक्ष के बड़े फैसले की, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी की घबराहट की, बात करेंगे यूपी में अखिलेश के बीएसपी को लेकर पड़े नरम रूख की, उमर खालिद की याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई की, जानेंगे राम मंदिर पर फंसी बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अनुच्छेद 370 पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर, पीपुल्स मूवमेंट और सीपीएम ने दायर की याचिका। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे सोनिया खड़गे, कांग्रेस ने कहा बीजेपी और आरएसएस ने राजनीतिक फायदे के लिए इसे इवेंट बनाया। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई, दोनों की हिरासत आज हो रही थी खत्म। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 272 अंकों की तेजी के साथ 71,658 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 74 अंकों की तेजी के साथ 21,619 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में आज सभी की नजरें विधानसभा स्पीकर पर लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक फैसला सुनाना होगा, नहीं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले लेगा, और समय सीमा समाप्त होने से पहले विधानसभा स्पीकर ने फैसला सुना दिया है, जिससे महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या है फैसला जिससे मच गई है पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को बड़ी राहत दी है। शिंदे और उनके गुट के सभी विधायकों की सदस्यता को बहाल रखा गया है, यानी शिंदे विधायक बने रहेंगे और उनके सीएम पद पर किसी तरह का संकट नहीं है। अपने फैसले में विधानसभा स्पीकर ने शिवसेना के 2018 के संविधान में हुए संशोधन को मानने से इनकार कर दिया है। नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दिए गए पार्टी के संविधान पर तारीख नहीं थी, इसीलिए वो मान्य नहीं है। शिवसेना में पक्ष प्रमुख का कोई पद नहीं है। 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी नहीं है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, इसलिए शिवसेना के 1999 के संविधान को हमने आधार माना है। अपने फैसले में नार्वेकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने या विधायक दल के नेता पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था। स्पीकर ने कहा कि 22 जून 2022 को सुनील प्रभु ने जो व्हिप जारी किया था वो संवैधानिक नहीं था। सुनील प्रभु व्हिप जारी करने के योग्य ही नहीं थे और इसी व्हिप को लेकर शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की थी। स्पीकर ने शिंदे गुट के भरत गोगावले को असली चीफ व्हिप माना है। इस बीच उद्धव गुट की ओर से कहा गया है कि हमें पहले से ही पता था कि विधानसभा स्पीकर ऐसा ही फैसला लेंगे। फैसले से पहले एकनाथ शिंदे का विधानसभा स्पीकर से मिलना ही बता रहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। दरअसल 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने बगावत की थी। विधायक पहले सूरत पहुंचे और वहां से गुवाहाटी चले गए। 23 जून को 16 बागी विधायक को अयोग्यता का नोटिस विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने जारी किया, लेकिन बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई रोक दी। बाद में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ बनाई गई, जिसने 11 मई को विधानसभा स्पीकर को फैसला लेने के लिए कहा और आज इस पर विधानसभा स्पीकर ने फैसला सुना दिया। विधानसभा स्पीकर के फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए झटका माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को भी झटका देने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है, लेकिन इसकी अनुमति पर मणिपुर की बीजेपी सरकार पेच फंसा रही है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यात्रा मणिपुर से ही शुरू करेंगे। तो क्यों न्याय यात्रा से पहले घबराई हुई है बीजेपी और क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। बीजेपी यात्रा के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही है और इस यात्रा का असर चुनाव पर पड़ेगा, जिससे बीजेपी में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते मणिपुर सरकार ने यात्रा की परमिशन को पहले तो लटकाए रखा
और बाद में सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। दरअसल कांग्रेस यात्रा को इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की अनुमति मांग रही थी। अब पार्टी दूसरे स्थान की तलाश में जुट गई है, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और इम्फाल से ही शुरू की जाएगी। मैदान बदला जा सकता है। मणिपुर में कांग्रेस के प्रदेश कमेटी अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा कि यात्रा खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर थौबल के पास से शुरू हो सकती है। अब फैसला हाईकमान को करना है। दूसरी ओर कांग्रेस ने यात्रा की तैयारियों को और तेज कर दिया है। आज कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ा पैम्फलेट, वेबसाइट और न्याय योद्धा कैंपेन लॉन्च किया। इसके साथ ही पार्टी की ओर से एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर लोग न्याय योद्धा बन सकते हैं। मणिपुर सरकार के फैसले के बाद भले ही इम्फाल पैलेस ग्राउंड की जगह दूसरे जगह से इस यात्रा की शुरुआत हो, यात्रा 14 जनवरी से ही शुरू होगी, जो 66 दिनों में 15 राज्यों से गुजरने के बाद 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर समाप्त होगी। इस दौरान ये यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी में डर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे कांग्रेस और इंडिया की ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी को बड़ा झटका यूपी में भी लगते दिख रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन बन रहा है। अखिलेश ने भी अब संकेत दे दिए हैं कि मायावती की बीएसपी से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी राम मंदिर के प्रचार में लगी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के सभी दल जोर शोर से सीट बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में लगभग सभी सीटों पर बंटवारे पर बात बन गई है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए उतरने जा रहा है। अब इसी मजबूती को देख कई और दल भी गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। काफी दिनों से चर्चा थी कि कांग्रेस और बसपा प्रमुख मायावती के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही मायावती भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती को लेकर बयान दिया, उससे कयास ये लगाए जा रहे थे कि मायावती के आने से अखिलेश नाराज हैं। वहीं अखिलेश ने जब बलिया में पत्रकारों से बात करते हुए मायावती के लिए भरोसे की कमी वाला बयान दिया, तो मायावती ने भी ट्विटर पर गेस्ट हाउस कांड से लेकर फ्लाईओवर तक के मुद्दे उठाकर अखिलेश को घेर डाला था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच बात बन गई है। कांग्रेस दोनों पार्टियों को साथ लाने में कामयाब हो गई है। इंडिया गठबंधन यूपी में मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। दरअसल ये खबर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश ने विधायक दल की मीटिंग में विधायकों से कहा कि अगर कांग्रेस बसपा को इंडिया गठबंधन में लाना चाहती है तो ले आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैठक में अखिलेश यादव ने एक विधायक को टोकते हुए कहा कि मायावती बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उम्र में काफी बड़ी हैं, उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। बताया भी जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये भी कहना था कि बलिया में दिया गया बयान हंसी मजाक में था, मायावती उम्र में बड़ी हैं, उनका सम्मान है, और जो बलिया में मैंने कहा मेरी मंशा गलत नहीं थी। तो आपने देखा किस तरीके से बात उत्तर प्रदेश में बन गई है। कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है और इंडिया गठबंधन और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी को उसके सबसे बड़े गढ़ में ही बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ झटका मानव अधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद को भी लगा है। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में आज भी सुनवाई नहीं हो पाई, तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से लंबित है। उमर खालिद को दिल्ली की तिहाड़ जेल में 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। वो फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए टकराव की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद है। उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ उमर खालिद की विशेष जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी उमर खालिद को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। आपको बता दें कि उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने बताया है कि वे संवैधानिक पीठ में सुने जाने वाले मामलों में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अदालत से इस मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। सरकारी पक्ष के वकील ने भी इस मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू आज बिजी हैं। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने साफ किया कि अब इस मामले को और नहीं टाला जाएगा। यानी कोर्ट से साफ कर दिया गया है कि उमर खालिद के मामले को अब और नहीं टाला जाएगा, तय समय पर होगी सुनवाई। अब खालिद को कब तक जमानत मिलेगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ इस समय सबसे ज्यादा नजरें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो है अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन इसका पूरा कार्यक्रम धार्मिक की जगह राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। क्या कहा है कांग्रेस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी हर तरफ से घिरती जा रही है।
राम मंदिर का उद्घाटन या जनता में धर्म के नाम पर विभाजन। विपक्ष इस बात पर बीजेपी की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहा है। बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता उमा भारती ने भी राम मंदिर पर हो रही राजनीति की आलोचना की थी। मामले पर सियासत बढ़ती ही जा रही है और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया की एक पोस्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चारों शंकराचार्य जी के साथ रामानंद संप्रदाय के स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज को सदस्य बनाकर रामलय न्यास का गठन किया था। कांग्रेस मंदिर निर्माण धर्माचार्यों को सौंपना चाहती थी, ना कि राजनीतिक लोगों को। मैं पहले भी कहना चाहता था कि आरएसएस पूरे देश में सभी स्थानों पर कब्जा करना चाहती है और सदियों पुरानी परंपराओं को समाप्त कर रही है। ये लोग समाज में फूट डालो राज करो की राजनीति अपना रहे हैं। पहले हिंदुओं मुसलमानों में फूट डाली, फिर राम नाम को भाजपा व गैर भाजपा में बांट दिया। अब शंकराचार्य व रामानंद संप्रदाय को बांट रहे हैं। चंपत राय जी संघ के प्रचारक हैं और उन्होंने राम भक्तों के चंदे से जमीन खरीदी में घपला कर भ्रष्टाचार किया। अब राम मंदिर का संचालन कर राम भक्तों की श्रद्धा से चढ़ाई हुई भेंट पर बीजेपी और आरएसएस का प्रचार करेंगे। सभी धर्म समाज को जोड़ते हैं, राजनीति समाज को बांटती है। धर्म श्रद्धालुओं से मेरी प्रार्थना है कि धर्म से राजनीति अलग करो, सर्व धर्म समभाव का पालन करो। राम मंदिर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी धर्म के सहारे वोट लेने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी की कोशिश को बड़ा झटका देने की तैयारी किसानों ने कर ली है। किसान एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है, जो चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ाता दिख रहा है। तो क्या है किसानों का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की एकता ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने मोदी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। एसकेएम ने सरकार के खिलाफ किसान मजदूर जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार के झूठे वादे और झूठे प्रचार के बारे में बताया जाएगा। ये अभियान 10 से 20 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसमें कॉर्पोरेट विकास पर मोदी सरकार के झूठे प्रचार का जवाब दिया जाएगा। मोर्चा का लक्ष्य भारत के 30.4 करोड़ घरों में से 40% घरों तक पहुंचने का टारगेट है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा लोगों को घरों में एक पत्र बांटेंगे, जिसमें देश के लंबे समय से चल रहे कृषि संकट और इस संकट का किसानों और कृषि श्रमिकों, मजदूरों और युवाओं पर प्रभाव के बारे में बताया गया है। इस अभियान के जरिए किसान के संकट को दूर करने, किसानों और श्रमिकों के लिए ज्यादा आय और रोजगार पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी और लूट को रोकने के, न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से श्रमिकों और किसानों के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने के लिए विकास की वैकल्पिक नीति अपनाने के लिए महत्व को समझाने की कोशिश की जाएगी। एसकेएम कार्यकर्ता गांव और कस्बों में घर घर जाएंगे, नोटिस और अन्य अभियान सामग्री वितरित करेंगे और 24 अगस्त 2023 को जो नई दिल्ली में एसकेएम की बैठक हुई थी, मजदूर किसान सम्मेलन में अपनाई गई मांगों के चार्ट में किसानों और श्रमिकों की मांगों को हासिल करने के लिए आगे के संघर्ष में बड़े पैमाने पर समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मोदी सरकार के लिए किसान एक बार फिर मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की इन मुश्किलों को उसके विधायक भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की नई सरकार में इस बार बहुत कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। सीएम से लेकर मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों को पहली बार सरकार में हिस्सेदारी मिली है, जबकि पार्टी के तमाम वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया गया है, जिसमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, और अब इनका सब्र टूटता दिख रहा है और ये अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने से नहीं चूक रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बयान से तो पार्टी पहले से ही बैकफुट पर थी। सीएम मोहन यादव भी शिवराज के बयानों पर पूछे जाने वाले सवालों से कन्नी काटते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पूर्व मंत्री के बयान उनकी परेशानी और बढ़ा रहा है। इस बार पन्ना से बीजेपी विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हमें विरोधियों से दिक्कत नहीं होती, हमें उनसे दिक्कत होती है जो मिलकर मारते हैं। विरोधी से लड़ने में हम सक्षम हैं, लेकिन जो मिलकर मारते हैं ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। अब वे कार्यक्रम के दौरान किसके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे ये तो वे ही जाने, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह के इस बयान की सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हैं। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह 2009 और 2020 में बनी शिवराज सिंह सरकार में मंत्री बनाए गए थे। इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में उनका पत्ता कट गया। दरअसल ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह के पास पिछली शिवराज सरकार में खनिज मंत्रालय था। पार्टी के ही नेताओं ने उन पर आरोप लगाए थे। खनिज मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को लाभ पहुंचाया है। उनकी शिकायतें हाईकमान तक पहुंचाई गई थी।
उनका टिकट कटवाने की भी कोशिश की गई थी। बृजेंद्र सिंह टिकट हासिल करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन मंत्री पद से उनका पत्ता जरूर कट गया। क्या बात है, पूरा एयरपोर्ट लू के आज में जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? थैंक यू, ओके बाय बाय, टेक केयर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब